दोस्तों नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो भी मेरी एक मिंत्रा के हॉल वीडियो है। जैसा कि अभी समर स्टार्ट हो चुका है, तो आज मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसे ड्रेसेस शेयर करने जा रही हूँ जो समर के लिए बहुत ही परफेक्ट है। अगर समर में आप शॉपिंग करने की सोच रहे हैं, अगर आप कहीं आपका बाहर जाने का घूमने का प्लान है वेकेशन में, तो ये ड्रेसेस बहुत ही परफेक्ट हैं। आज मैं आप लोग के साथ टॉप 5 ड्रेसेस शेयर करने जा रही हूँ फ्रॉम मिंत्रा, और ये समर के लिए बहुत ही बेस्ट हैं। कुछ इस तरह का कलर है, कुछ इस तरह का फैब्रिक है कि भाई गर्मियों में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा, आपको बहुत ही स्टाइलिश दिखाने में साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ये कंफर्ट भी है। तो मस्ट हैव है। आपको अगर मिंत्रा से शॉपिंग करना पसंद है तो ये सारी ड्रेसेस भी आपको जरूर पसंद आएगी, आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। और बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, अंडर 1000 सारी ही ड्रेसेस आपको मिल जाएंगी। इन सभी का मैंने लिंक भी दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करती हूँ और दिखाती हूँ कौन कौन सी ऐसी ड्रेसेस हैं जिन्हें मैंने मिंत्रा से लिया हुआ है, आप जरूर इन्हें ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों इन सारी ड्रेसेस को मैं आपको पहन के भी दिखाऊंगी, तो बहुत अच्छे से आपको आइडिया लगेगा, मतलब अच्छे से तैयार होकर जो भी सारी एक्सेसरीज हैं इनके साथ उन्हें भी मैं स्टाइल करके दिखाऊंगी, तो आपको बहुत अच्छे से आइडिया लगेगा कि इनको पहनने के बाद आप कैसी लगने वाली हैं। तो भाई चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो आपको थोड़ी सी पसंद आती है, थोड़ी सी भी इनफॉर्म वीडियो लगती है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करिए। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है भाई एक वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें, इससे हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लाने के लिए। तो चलिए अब विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। दोस्तों बात करूँ फर्स्ट ड्रेस की, तो ये मैरून कलर की ड्रेस है, बरगंडी कलर भी आप बोल सकते हो। सामने स्क्रीन शॉट देख सकते हो आप, यहाँ जितनी भी ड्रेस मैं दिखाऊंगी सबका आप स्क्रीन शॉट देख पाओगे। ये ड्रेस है सैसेफराज की ड्रेस है, अंडर 600 मुझे पड़ी हुई थी, पॉली जॉर्जेट मटेरियल है, ऑफ शोल्डर ड्रेस है, और इसके साथ ही अटैच की बेल्ट भी आती है। मैंने कुछ इस तरह से स्टाइल किया हुआ है, मेरे पास ये जंक ईयरिंग सी सिल्वर ऑक्सीडाइज उसे मैंने पहन लिया है, तो कुछ इस तरह का पूरा लुक आया है सामने देख सकते हो। बहुत ही ब्यूटीफुल से ड्रेस है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है, और नीचे ढेर सारे प्लेट्स बने हुए हैं, काफ़ी एयरी है, और कुछ इस तरह का लुक आता है पहनने के बाद देख सकते हैं। नीचे मैंने बीच की हील पहनी हुई है, तो भाई गर्मियों के लिए इस तरह की जो ड्रेस होते हैं बहुत ही परफेक्ट है और काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, प्राइस अंडर 600 आपको मिल जाएगी। तो कहीं अगर आप घूमने जा रहे हो तो इस तरह की ड्रेस बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है, इसलिए समर में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। जिस तरह से डिज़ाइन है, कलर है, जिस तरह का मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। कहीं घूमने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी होता है। इस ड्रेस ये ऑफ शोल्डर ड्रेस है, आप चाहो तो और नीचे भी शोल्डर के कर सकते हो, मैंने थोड़ा और ऊपर करके पहना हुआ है, आप चाहो तो और ऊपर भी करके पहन सकते हो, कई तरीके से स्टाइल कर सकते हो। बट ओवरऑल जो ड्रेस है काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मुझे तो भाई काफ़ी ज़्यादा पसंद आई और मस्ट हैव है, आप भी जरूर ट्राई कर सकते हो। अगर आप बढ़िया सा चीज़ से कोई ड्रेस ट्राई करना चाहते हो जो थोड़ी सी स्टाइलिश भी आपको दिखाए, कम्फर्ट भी रहे और बहुत ही ईजिली आप कहीं भी जाओ जिसे पहन सको, कुछ इस तरह की ही ड्रेस है। और सैसेफराज के कई सारे आउटफिट हैं मेरे पास हैं, मैंने बहुत सारा आप लोगों के साथ शेयर भी किया हुआ है। तो भाई फर्स्ट जो ड्रेस है कुछ इस तरह की ड्रेस है, इसमें दो कलर और भी अवेलेबल हैं, ब्लू और आई थिंक बीज कलर है, आप चाहो तो दूसरे कलर को भी आप चेकआउट कर सकते हो। बात करूँ सेकंड ड्रेस की, कुछ इस तरह की दिखती है, वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही ट्रेंडी, बहुत अच्छा सा कलर है। ये है टोक्यो डॉल की ब्रांड के है, अंडर 700 मुझे पड़ी हुई थी, ये पॉली जॉर्जेट मटेरियल है, इसके साथ ही अटैच ये लॉन्ग बेल्ट भी आती है, साथ ही में बहुत ही सुंदर बीच फ्लावर की भी ये प्रिंट नहीं है, ये फ्लावर का पूरा इसमें वर्क है, थ्रेड वर्क बोल सकते हो आप, कुछ इस तरह का इसमें पूरा वर्क दिया है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसके साथ अटैच आई थिंक मुझे याद नहीं है कि अटैच इसमें स्लीव आता है कि नहीं आता है, फिलहाल जिस तरह से मुझे रिसीव हुई है बस सेम मैं वैसे ही पहन के आपको दिखा रही हूँ। सामने इसमें बटन लगे हुए हैं और इसमें मेरा जो साइज है एल साइज है, सारी साइज अवेलेबल हैं, आप चेकआउट कर सकते हो। ये इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी है और इस तरह की जो डिज़ाइन होते हैं, जो कलर होते हैं, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश दिखते हैं, बहुत ही स्मार्ट दिखाते हैं हमें, और गर्मियों के लिए तो ये बहुत ही परफेक्ट होते हैं। इस तरह की ड्रेस होती हैं कहीं अगर आप घूमने जा रहे हो और स्पेशली समर में, तो ये जो कलर होते हैं बहुत ही ज़्यादा, मतलब काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक अच्छी फीलिंग भी आती है, काफ़ी स्टाइलिश भी दिखते हैं, स्मार्ट भी दिखाते हैं, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी, इस तरह की ड्रेस बहुत ज़्यादा कंफर्ट भी होती है। ये इस ड्रेस को भी आप देख सकते हो, इसके ड्रेस है
वैसे स्लीवलेस जो ड्रेस होते हैं दोस्तों इतना मैं नहीं पहनती हूँ पर्सनली, मुझे इतना नहीं पसंद है, बट ये वाली ड्रेस मुझे स्लीवलेस भी काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लग रही थी। और इसका रीज़न ये है कि मेरे जो आर्म्स है थोड़े से हैवियर साइड हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा स्लीवलेस ड्रेस में कम प्रेफर करती हूँ पहनना। बट ये जो ड्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा स्टाइलिश लगती है। इसके साथ ही मैंने दो बड़े स्टड बीडेड ईयरिंग्स थे उसे मैंने पहन लिया है, तो कुछ इस तरह का सामने लुक आया है, आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे एक चीज़ मैं और हो सकता है बहुत सारे गर्ल्स हैं जिनको स्लीवलेस पहनना नहीं पसंद हो, तो इसके साथ मैं एक और भी जैकेट मैं शेयर कर रही हूँ, मतलब इसके साथ मैच करा के अगर चाहो तो आप कुछ इस तरह की जैकेट भी पहन सकते हो, स्पेशली वाइट कलर जो होता है इस कलर के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से मैच होता है। तो यहाँ पे एक मेरे पास जैकेट है, ये जैकेट भी आई थिंक टोक्यो डॉल की सेम ब्रांड की ये जैकेट है, क्रॉप जैकेट है, इसे मैं पहन के दिखा रही हूँ यहाँ पे। तो जैकेट पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आता है, और भी स्टाइलिश बहुत ज़्यादा अच्छा सा लुक आ रहा है, बढ़िया। तो भाई अगर शाम को कहीं आप घूमने जा रहे हो, थोड़ा बहुत अगर वेदर जो है अगर नॉर्मल है तो आप जैकेट भी यूज कर सकते हो, अगर आपको इससे ब्लेस पहनना ड्रेस नहीं पसंद है। और मुझे ये जो लुक है मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था, सामने देख सकते हो जैकेट पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। और दोस्तों बहुत जल्दी मैं आप लोगों के साथ मिंत्रा का जैकेट हॉल भी मैं शेयर करने वाली हूँ, और जैकेट देख सकते हो, ये जैकेट भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, जैकेट पहनने के बाद कुछ इस तरह का लुक आया है। ये जैकेट भी काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल है, ये भी आपको अंडर 800 मिल जाएगी, और सामने पहनने के बाद आप लोग देख ही सकते हो कुछ इस तरह का लुक है। इस ड्रेस के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी, ये जो कॉम्बिनेशन होता है वाइट और ब्लू का जो कॉम्बिनेशन होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इवन इस ड्रेस में भी वाइट और ब्लू का ही कॉम्बिनेशन है। ओवरऑल जो लुक सेकेंड लुक है वो किस इस तरह का लुक है, आप चाहो तो इस ड्रेस को विदाउट जैकेट ऐसे ही पहन सकते हो, अगर आपको स्लीवलेस पहनना नहीं पसंद है तो आप इस तरह से, अगर आपका कोई वाइट श्रग है जैकेट है तो आप उसे भी पहन सकते हो, ये इस ड्रेस के साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। दोस्तों बात करूँ थर्ड ड्रेस की, तो ये एक लॉन्ग लाइम ग्रीन कलर की ये पूरी ड्रेस है, स्लीवलेस ड्रेस ये भी है। ये ब्रांड का नाम आई डोंट नो क्या प्रोनाउंसिएशन करते हैं, सामने आप स्क्रीनशॉट देख लीजिए आप, कुछ इस तरह से ब्रांड का नाम है। ये भी अंडर 800 मुझे ये ड्रेस 850 रुपये की मुझे पड़ी थी। इस ड्रेस को मैंने इसकी सिर्फ कलर की वजह से लिया हुआ था, मुझे ये कलर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये नियॉन कलर लाइम ग्रीन कलर ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये जो ड्रेस है काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थी, तो नीचे से मैंने इसे थोड़ा सा कट कराया था, मेरी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, मैं एक शॉर्ट हाइट गर्ल हूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी थी तो मैं नीचे से इसे थोड़ा सा मैंने इसे कटवाया था। तो अगर आपकी हाइट ज़्यादा है तो ये ड्रेस बहुत ज़्यादा परफेक्ट है, मुझे तो भाई थोड़ी सी लॉन्ग थी। तो यहाँ देख सकते हो पहनने के बाद कुछ इस तरह से लुक आया है। यहाँ पे मेरे पास मल्टी कलर की एक ईयरिंग थी जो कि हार्ट शेप में थी, उसे मैंने पहन लिया है। सामने सिल्वर एक चेन नेकलेस थी, उसे मैंने पहन लिया। इस नेकलेस को मैंने आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है। और बाकी मैचिंग का मेरे पास सैंडल थी, नियॉन ग्रीन और ब्लैक कलर की सैंडल थी, उसे मैंने पहन लिया है। कुछ इस तरह का सामने लुक आया है। इस ड्रेस को पहनने के बाद थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरी जो पर्सनालिटी है थोड़ी सी और हैवी मुझे दिख रही थी, आई डोंट नो व्हाई, वैसे मैं बहुत स्लिम ट्रिम मेरी पर्सनालिटी नहीं है, तो कुछ इस तरह का लुक आया है। ओवरऑल ये जो कलर है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये जो मटेरियल है ये जॉर्जेट का मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जैसे कि मिंत्रा की और ड्रेसेस की होती हैं। तो कुछ इस तरह की ड्रेस है, और गर्मियों के लिए तो भाई बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। नियॉन जो कलर है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, ये इंस्टेंट बहुत ज़्यादा स्टाइलिश हमें लुक दे देते हैं। नियॉन मतलब जैसे ही पहनते हैं ना इंस्टेंट पॉपअप होकर हमारी पर्सनालिटी दिखने लगती है, ये कलर ही ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, तो भाई जरूर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे भी मैं एक और लुक इस ड्रेस के साथ दिखा रही हूँ, अगर आपको स्लीवलेस पहनना नहीं पसंद है इस लुक के साथ आप ये ब्लैक वाली जो जैकेट है जरूर ट्राई कर सकते हो। नियॉन ग्रीन और ब्लैक का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होता है। इसके साथ पिंक भी, आप नियॉन पिंक भी, अगर पिंक कलर की जैकेट है तो उसे भी आप पहन सकते हो। नियॉन पिंक नियॉन ग्रीन का भी कॉम्बिनेशन बहुत ही परफेक्ट होता है। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक जैकेट थी, ये जैकेट भी मैंने मिंत्रा से ही ली हुई है। यहाँ देख सकते हैं इस जैकेट मैं पहन के दिखा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने इस ड्रेस को मैंने कई बार मैं पहन चुकी हूँ। मुझे मैं स्लीव ड्रेस इस ड्रेस को नहीं पहनती हूँ, मुझे इसके बजाय जैकेट के साथ मुझे ये ड्रेस जो है ज़्यादा अच्छी लगती है। तो जैकेट के साथ पहनने के बाद देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आया है। यहाँ पे थोड़ी सी मैं स्लिम ट्रिम देख रही हूँ, थोड़ी सी मतलब ये वाला जो लुक है थोड़ा सा मुझे पतला भी दिखा रहा है, तो ये लुक मुझे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है। और वैसे भी मैं यहाँ बेंगलोर में रहती हूँ तो यहाँ इतनी गर्मी नहीं पड़ती है, स्पेशली शाम को घूमने निकलना होता है, तो मैं इस ड्रेस के साथ इस जैकेट को पहन लेती हूँ और काफ़ी बढ़िया सा ट्रेंडी सा अच्छा सा मुझे लुक मिल जाता है। जैसा कि सामने आप देख सकते हो इस तरह के जो कलर होते हैं कॉम्बिनेशन होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश होते हैं, बहुत सुंदर दिखाते हैं। और
काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में भी हैं। बट जैसा कि गर्मी है, अगर आप ऐसी जगह पे हो जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप बिना जैकेट के इस ड्रेस को पहन सकते हो। समर के लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है और स्टाइलिश लुक तो आपको मिलने ही वाला है। बात करूँ फोर्थ ड्रेस की तो ये ब्लू कलर की ड्रेस है। ये भी शशि फराज की ही ड्रेस है और मिडी लेंथ है इसका और ये भी मुझे अंडर 800 मुझे पड़ी हुई थी। इसका मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, पीछे इसमें बटन दिया हुआ है, राउंड नेक है, फुल स्लीव है, तो कुछ इस तरह की ड्रेस है और यहाँ मैंने पहन लिया है। देख सकते हैं कुछ इस तरह का लुक है। इसके साथ बेल्ट नहीं आती है, मेरे पास ये वाइट कलर की बेल्ट थी, उसे मैंने लगा लिया है। मुझे और भी स्टाइलिश अच्छा सा लुक लग रहा था इस बेल्ट को लगाने के बाद। साथ ही साथ मेरे पास ये ऑफ वाइट कलर की बीडेड ईयरिंग्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा भाई इस समय ट्रेंड में है। हो सकता है बहुत आप लोगों में से बहुत सारे गर्ल्स के पास इस तरह की ईयरिंग्स होगी, उसे मैंने पहन लिया है। ये ईयरिंग्स भी मैंने मिंत्रा से ही ली हुई थी, तो कुछ इस तरह का सामने लुक आया है, देख सकते हैं। तो गर्मी के लिए भाई ये ड्रेस भी देख ही सकते हो आप, बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। नीचे से ये मेरी लेंथ है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग मतलब कि ये ड्रेस नहीं है, मेरी हाइट तो खुद ही कम है, तो आप देख सकते हो मुझे भी ये पूरा मेरे घुटने तक ये ड्रेस आती है। और काफ़ी ज़्यादा मतलब कि इस ड्रेस का जो मटेरियल है, जॉर्जेट मटेरियल है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत लाइट वेट है, तो गर्मियों के लिए ये सब इस तरह की जो ड्रेस होती है बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। हम कहीं घूमने जा रहे हैं, इस तरह से तैयार होकर जाते हैं तो भाई थोड़ा सा गर्मी भी हमें कम लगती है और साथ ही साथ स्टाइलिश लुक तो हमें मिल ही जाता है। सामने मैं आपको पहन के दिखा रही हूँ और साथ ही साथ अगर आप इस तरह से अगर सिर्फ ड्रेस के साथ अगर कंफर्ट नहीं हो तो नीचे आप चाहो तो आप कुछ वाइट कलर का इसमें कैप्री डाल सकते हो या फिर वाइट लेगिंग्स भी आप पहन सकते हो। फिलहाल मुझे ये ड्रेस जैसे मिली थी मैं सेम वैसी पहन के आपको दिखा रही हूँ, तो कुछ इस तरह की ये ड्रेस है, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और सारी ही ड्रेस जितनी भी मैंने दिखाई जैसा कि आप देख सकते हो सारी ही अंडर 1000 है, तो भाई बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी हैं। तो गर्मियों के लिए अगर आप अच्छी सी ड्रेस ट्राई करना चाहते हो, कुछ बढ़िया सा मिंत्रा पे शॉपिंग करना चाह रहे हो, तो इस तरह ये जो सारी ड्रेस है इनको जरूर आप चेकआउट कर सकते हो। सारी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। सामने मैं आपको पहन के भी दिखा रही हूँ, पहनने के बाद पूरा तैयार होकर दिखा रही हूँ कि कैसी ये लगने वाली हैं। तो ओवरऑल ये वाली जो ड्रेस है ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया हुआ है, काफ़ी पहले मैंने लिया हुआ था। बात करूँ लास्ट ड्रेस की तो ये ब्लैक वाली लॉन्ग ये मैक्सी ये ड्रेस है, कुछ इस तरह से ये केसन ब्रांड का है। ये भी अंडर 1000 मुझे पड़ी हुई थी, पूरा फुल स्लीव की ड्रेस है, ये पूरी लेस वाली ड्रेस है। आप सोच रहे होंगे गर्मियों में समर के लिए भाई मैं ब्लैक कलर क्यों दिखा रही हूँ, तो ब्लैक कलर सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि इसका जो डिज़ाइन है देख सकते हो ये लेस वाला डिज़ाइन है, तो काफ़ी एकदम एयरी डिज़ाइन आप बोल सकते हो कि इसको पहनने के बाद बिल्कुल आपको गर्मी नहीं लगने वाला है, बहुत ज़्यादा हवा भी लगने वाली है। और इसे मैंने स्टाइल किया है, मेरे पास ये लाइट ब्लू कलर की जींस थी, ये जींस भी टोक्यो टॉल की ब्रांड की ही है। इस तरह की ड्रेस के साथ ये जो जींस है काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश लग रही थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो पूरा जो लुक है देख सकते हो कुछ इस तरह का लुक आया है। सेम मैचिंग का मेरे पास ईयरिंग्स था, उसे मैंने पहन लिया है। हेयर स्टाइल आप पूरी वीडियो मेरा सेम हेयर स्टाइल देख रहे हो, बट फिलहाल मुझे बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइल नहीं आती है, बट आप चाहो तो डिफरेंट आप हेयर स्टाइल भी ट्राई कर सकते हो इन सारी ड्रेसेस के साथ। बट ओवरऑल ये जो ड्रेस है ये भी काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद है, इसे मैंने काफ़ी पहले मैंने लिया हुआ था, बहुत बार मैं इसे यूज कर चुकी हूँ। गर्मी के लिए मुझे ये ड्रेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, जिस तरह का डिज़ाइन है काफ़ी ज़्यादा हवा लगने वाली है इस ड्रेस में, इसलिए मैं इस ड्रेस को इस मैंने वीडियो में शामिल किया है। तो ये कलर भी खैर मेरा तो भाई फेवरेट कलर है, बट गर्मियों के लिए आई नो कि ब्लैक कलर भाई आप लोगों से बहुत सारे लोग नहीं पहनते हो, बट ये वाली जो ड्रेस है ये जिस तरह इसका डिज़ाइन है आप ये ड्रेस को जरूर ट्राई कर सकते हो, इतना गर्मी नहीं लगने वाली है ड्रेस के साथ। तो सामने इसमें बटन दिए हुए हैं, तो आप चाहो तो इसमें इसके बटन खोल भी सकते हो और चाहो तो सेम जैसा है आप ऐसे ही पहन सकते हो। नीचे से इसमें वैसे भी सामने से फ्रंट में कटिंग वाला डिज़ाइन है, ओवरऑल कुछ इस तरह का पूरा जो लुक है आया है और मुझे तो भाई ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सामने आप देख रहे हो मैं इसे पहन के भी ऑलरेडी आप लोगों को दिखा रही हूँ। ओवरऑल ये वाली ड्रेस जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आप जरूर ट्राई कर सकते हो फॉर समर। तो दोस्तों ये रही मेरी आज की वीडियो, 5 ऐसे आउटफिट थे जिन्हें मैंने मिंत्रा से लिया हुआ था, आप लोगों के साथ शेयर किया फॉर समर। इनमें से कौन सी ड्रेस आपको पसंद आई आप मुझे जरूर बताइएगा, मुझे तो भाई 5 ही बहुत पसंद है, इनको काफ़ी ज़्यादा मैं यूज करती हूँ, स्पेशली जब गर्मी आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही कम्फर्ट होती है, बहुत ही लाइट वेट है, कुछ इस तरह का कलर है कि बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही स्टाइलिश भी लगता है, साथ ही साथ गर्मियों के लिए भाई बहुत ही परफेक्ट है। तो आपको कौन सी ड्रेस इसमें अच्छी लगी आप मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, तो अगर आपको फैशन और ब्यूटी रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।